अक्सर एक्ट्रेसेस के फैशन सेंस को बहुत जल्दी जज कर लिया जाता है और जब भी वो किसी मूवी की प्रमोशन में पहुंचती है तो उनके ड्रेसिंग सेंस का मजाक भी उड़ाया जाता है। लेकिन एक्चुअल में ये बात होती है कि जब भी किसी एक्टर या एक्ट्रेस की कोई मूवी आने वाली होती है तो वो हमेशा उसी अकॉर्डिंग ड्रेस करते हैं जो कि उनका स्टाइल होता है उस मूवी में, जिससे लोगों का ध्यान आकर्षित हो उनकी मूवी की तरफ। जैसे कि अब देखिए, वो हमेशा उन्हीं कपड़ों में दिखाई देते हैं, उसी तरीके के कपड़े पहनते हैं, यहाँ तक कि वो अपने रियल लाइफ में भी क्या पहनेंगे वो भी उनके स्टाइलिश ही डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गंगूबाई काठियावाड़ी के समय आलिया भट्ट को आपने देखा, उन्होंने सभी व्हाइट टॉप्स का और इसी तरीके के शर्ट्स का इस्तेमाल किया था। और अब हाल ही में दीपिका पादुकोण भी कुछ ऐसा ही करना चाह रही हैं। वो अपने ड्रेसिंग सेंस से लोगों का ध्यान अपनी अपकमिंग मूवी फाइटर पर आकर्षित करना चाहती हैं। एक बार उन्हें फॉर्मल शर्ट और पैंट में देखा गया था, जिसके बाद ये फोटो काफी वायरल हुई और लोगों ने ये कमेंट किया कि ऐसा लग रहा है डायरेक्ट स्कूल से ही निकल कर आ रही है। लेकिन दीपिका का असली मकसद इसमें ये था कि उनका जो बहुत ही डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट रोल रहने वाला है फाइटर मूवी में, उसके प्रति वो लोगों का ध्यान आकर्षित करे और इसीलिए उन्होंने ऐसे कपड़े पहने। अब इस फिल्म में ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर के अलावा किसी के होने की तो कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि बिरोल तरकन इस फिल्म में एक रोल में नजर आ सकते हैं। आपको बता दें कि वो बहुत ही बड़े मार्शल आर्ट स्पेशलिस्ट हैं और अपने नाम स्विस वर्ल्ड रिकॉर्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, यूरोपियन चैंपियनशिप जैसे सारे अवार्ड्स कर चुके हैं। साथ ही कई सारी फेमस फिल्म्स जैसे कि डेन ऑफ द थीव्स और आलिया जैसी फिल्म में भी वो नजर आए हैं। और इस फिल्म में भी उनके होने का सिर्फ एक मकसद है कि उनका एक्शन सीक्वेंस इस फिल्म में दिखाया जा सके, तो उन्हें भी इस फिल्म में एंट्री मिल सकती है, जिससे इस फिल्म को 4 चांद लग जाएंगे। जहां तक मूवी में दूसरे कास्ट की बात हो रही है तो पार्थ सिद्धपुरा का भी नाम इसमें शामिल हो रहा है। आपको बताते हैं कि सिर्फ 17 साल की उम्र में ही वो इंडस्ट्री में एक म्यूजिक कंपोजर बन चुके हैं और बहुत सारे अच्छे गाने उन्होंने हमें दिए हैं। और अब ऐसा कहा जा रहा है काफी सारी मूवीज में काम करने के बाद अब वो हमें फाइटर में भी नजर आ सकते हैं, जिसमें उनका रोल एक विलन का हो सकता है या तो फिर हीरो या हीरोइन के साइड चिक का। वो इसी रोल पर सूट भी करते हैं और इसीलिए मेकर्स उन्हें इस फिल्म में इंक्लूड कर सकते हैं। साथ ही में अगर हम बात करें इस मूवी की, तो सिर्फ और सिर्फ इस मूवी के एक्शन सीक्वेंसेस, इसके लोकेशंस और इन्हीं सब की बात की जा रही है, लेकिन कहीं भी इस मूवी के डांस और गानों की बात नहीं की जा रही है। तो दरअसल मेकर्स भी इस चीज़ को लेकर बिल्कुल निश्चिंत है, क्योंकि उन्हें पता है मूवी के ख़त्म होने के बाद वो इसके गानों की शूटिंग कर सकते हैं। ऋतिक रोशन ठहरे एक्सपर्ट, वो 3-4 घंटे में ही किसी भी गाने की शूटिंग पूरी कर देते हैं और ऐसे में मेकर्स बिल्कुल ही टेंशन फ्री है, क्योंकि उन्हें पता है ऋतिक रोशन बहुत ही जल्दी इस फिल्म के गानों का काम भी खत्म कर देंगे। अगर हम बात करें उनके सबसे बेस्ट रिकॉर्ड की, तो वो 1 घंटा है। जी हाँ, प्रभु देवा से उन्होंने सिर्फ 1 घंटे में मैं ऐसा क्यों हूँ गाने के कोरियोग्राफी सीखी थी और उसके बाद उन्होंने इस गाने को शूट भी कर लिया था। तो अब जब इतने टैलेंटेड है हमारे ऋतिक, तो क्यों ना इस फिल्म में ही अच्छे से ध्यान दिया जाए और बाद में इस गानों की शूटिंग की जाए, यही समझ रहे हैं इसके मेकर्स और यही किया भी जाएगा। आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपको पार्ट की कौन सी कंपोजिशन सबसे अच्छी लगती है वो भी हमें जरूर बताइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी होस्ट पंखुड़ी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।